नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और मैं इस समय रुड़की रेलवे स्टेशन पर हूं। मेरे पीछे आप जनरली क्लास का स्टीम लोकोमोटिव देख सकते हैं, इसे यहां पर धरोहर के रूप में रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के अंतर्गत रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस स्टेशन की नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है और इस टीन शेड के अंदर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब इसकी फाउंडेशन यानी नींव रखी जा रही है। बिल्डिंग बनने में भी थोड़ा समय लगेगा और सबसे खास बात यह है कि रुड़की अब जंक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि रुड़की से देवबंद के बीच अब 28 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन तैयार की जा रही है, जिसका काम ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुका है। कुछ पैचेस में काम बाकी है और इस बीच दो नए स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें पहला स्टेशन है झबरेड़ा और दूसरा स्टेशन है भनेड़ा खास। भनेड़ा खास यूपी में है और झबरेड़ा उत्तराखंड में। और इस नई रेल लाइन का 17 किलोमीटर हिस्सा यूपी में आता है और बाकी का हिस्सा उत्तराखंड में। इस नई रेल लाइन और स्टेशन डेवलपमेंट के चलते यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं और यार्ड को एक्सपेंड किया जा रहा है और काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं स्टेशन के अंदर। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे वीडियो तो आप भविष्य में भी देख पाएँ। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन पर रेडेवलपमेंट के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ महीनों में रुड़की रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। इस टीन शेड के अंदर रुड़की रेलवे स्टेशन की नई इमारत के लिए नींव रखी जा रही है, जिसे बनने में थोड़ा समय लगेगा। इस स्टेशन की नई बिल्डिंग काफ़ी आधुनिक होगी, लेकिन अभी यहाँ पुराने बिल्डिंग का ढांचा टूटना बाकी है। धीरे धीरे इस पुराने बिल्डिंग के ढांचे को भी गिरा दिया जाएगा और इस बिल्डिंग के बीचों बीच से 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज वहां उतरेगा और वहां सामने नया प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार हो चुका है। अभी तक यहां सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पर 5 प्लेटफॉर्म्स होंगे और वहाँ पर नए फुटओवर ब्रिज के लिए फाउंडेशन बनाया जा रहा है, जो 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज होगा। नई बिल्डिंग तैयार होने के बाद ठीक यहाँ बीचों बीच ऊपर से नए फुटओवर ब्रिज के लिए गर्डर्स लॉन्च किए जाएंगे, जो सभी प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करते हुए वहाँ पर उतरेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे वीआईपी लाउंज, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और लिफ्ट के साथ एस्केलेटर भी। बहुत ही चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा यहाँ पर, 12 मीटर चौड़ा, जो सभी प्लेटफॉर्म्स का आपस में कनेक्ट करेगा और पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट हो जाएंगे एक ही एपोबी से। दाएं तरफ आप जो नया प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है, फ्लोर वगैरह बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर शेल्टर्स की कमी है और कोच गाइडेंस डिस्प्ले इलेक्ट्रिफिकेशन काम चल ही रहा है। लक्सर के डायरेक्शन में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है। सिग्नल सारे इरेक्ट हो चुके हैं, सिग्नलिंग मास्ट, अब वायरिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इंतजार है बस नॉन इंटरलॉकिंग की डेट का और मेगा ब्लॉक लगते हैं यहाँ पर। सारे ट्रैक्स और सभी सिग्नल्स जुड़ जाएंगे और जंक्शन बन जाएगा पूरी तरीके से देवबंद की तरफ। रुड़की देवबंद नई रेल लाइन तैयार हो जाने से रुड़की से देवबंद के बीच जो 65-70 किलोमीटर की दूरी है, वो अब मात्र 28 किलोमीटर तक सिमट जाएगी। यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं, उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर काम धीमा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अभी मेगा ब्लॉक की डेट जारी होगी और उसके बाद सभी ट्रैक्स और सिग्नल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके लिए पहले यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग होगी और काफ़ी ट्रेन्स उस मेगा ब्लॉक के दौरान प्रभावित होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर जा रहा है, वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर काफ़ी दिन बाद एल्को WDM-3A देखा, वो भी चालू अवस्था में। मेन लाइन से इन लोकोमोटिव्स को ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है। अब ये लोकोमोटिव्स किसी स्टेशन पर शंटिंग करते हुए या फिर डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ में अपनी सेवा देते हुए नज़र आते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस। क्या आप यकीन करेंगे कि ये ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है, जबकि ये ट्रेन अपने पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सहारनपुर और देवबंद की डायरेक्शन में और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 देवबंद की डायरेक्शन में एंड होता है और यहाँ पर भी ट्रैक को कनेक्ट करना अभी बाकी है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग बनना अभी बाकी है, क्योंकि उसी के बाद सभी ट्रैक्स आपस में कनेक्ट होंगे।
जिससे ट्रेन मेन लाइन से सभी प्लेटफॉर्म पर आ जा सके। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच 2 ट्रैक्स हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच 3 ट्रैक्स रहेंगे और 5वां ट्रैक यहाँ पर रहेगा गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए, और वहीं पर बगल में एक और ट्रैक डाला गया है, शायद वो सेंटिंग के लिए है और स्टेबलिंग लूप भी हो सकता है। ये डायरेक्शन है देवबंद और सहारनपुर की, और इसी डायरेक्शन में आगे चलकर बाएं तरफ रुड़की देवबंद नई लाइन का अलाइनमेंट घूम जाता है, और इसी डायरेक्शन में यार्ड में जो काम चल रहा है उसे हम चलती हुई ट्रेन से देखेंगे, और वहाँ बाएं तरफ नया टावर वैगन शेड बनाया जा रहा है। इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर शूट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ यार्ड में आप देख सकते हैं किस तरह OHE पर काम चल रहा है। शिकंजी पी लीजिए, चाय पीने का मन होता है लेकिन गर्मी की वजह से शिकंजी से काम चलाना पड़ रहा है। यह यहाँ पर गुड्स प्लेटफॉर्म ट्रैक यहाँ पूरी तरह से डाल लिया गया है। पुराना माल गोदाम हुआ करता था पहले यहाँ पर, उसे तोड़कर यहाँ पर नया प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। चलिए बाकी नज़ारा ट्रेन से देखते हैं। इस समय हमारी ट्रेन सहारनपुर के डायरेक्शन से रुड़की स्टेशन पहुँचने वाली है, और दाएं तरफ से देवबंद रुड़की नई रेल लाइन का अलाइनमेंट यहाँ पर आकर मिल रहा है। ये अलाइनमेंट देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के लिए है। रुड़की स्टेशन के पास से अभी यहाँ इस अलाइनमेंट पर सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्क ही चालू है, बाकी इस ट्रेन ने थोड़ा सा माहौल ख़राब कर दिया। कोई नहीं, हम इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पर यार्ड में आप देख सकते हैं किस तरह नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं, और यहाँ पर अलाइनमेंट भी शिफ्ट होगा। सहारनपुर की ओर जाने वाली जो मेन लाइन है वो यहाँ से थोड़ा पीछे की ओर शिफ्ट होगी और कर्व ख़त्म होगा, और अलाइनमेंट वहाँ से आप देख ही सकते हैं किस तरह यहाँ रुड़की में आकर मिल रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक्स यहाँ बगल में डाले जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर जब कोई मालगाड़ी आए तो उसका रिवर्सल हो सके और स्टेबलिंग के लिए भी उस ट्रैक को इस्तेमाल किया जा सके। पहले के मुकाबले यहाँ यार्ड में काफ़ी हद तक काम आगे पहुँच चुका है। ऊपर OHE पर काम चल रहा है जिसे धीरे धीरे निपटा दिया जाएगा। बीच में यहाँ पर एक नई पुलिया बनाई जा रही है क्योंकि बीच में एक नाला पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या बढ़ चुकी है तो यहाँ पर नई पुलिया बनाने की ज़रूरत पड़ी और ये अलाइनमेंट शिफ्ट होगा। अब क्योंकि आने वाले समय में मुरादाबाद डिवीज़न में भी स्पीड अपग्रेड होकर 130 KMPH हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अननेसेसरी कर्व्स हटा दिए जाएंगे। और यहाँ बीच में आप स्लीपर्स को अलाइन होते हुए देख सकते हैं। हमारी ट्रेन यहाँ मेन लाइन से लूप लाइन पर स्विच कर चुकी है, और वहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो टावर वैगन शेड के लिए जो यहाँ बीच में हुआ करता था, लेकिन अब उसे यहाँ से हटाकर दाएं तरफ कर दिया गया है। जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर सिग्नल्स यहाँ पर इरेक्ट कर लिए गए हैं जो नॉन इंटरलॉकिंग के काम के बाद यहाँ पर चालू अवस्था में होंगे, और ये सिग्नल्स ही बताएंगे कि ट्रेन को सहारनपुर के डायरेक्शन में जाना है या फिर देवबंद के डायरेक्शन में। तो बस अब आप इंतज़ार कीजिए नॉन इंटरलॉकिंग के लिए मेगा ब्लॉक की डेट आने का, और उसके बाद यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म के ट्रैक्स, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, सिग्नल्स आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे और रुड़की रेलवे स्टेशन पर रुड़की जंक्शन बन जाएगा। बाकी अमृत भारत योजना में यहाँ पर काफ़ी काम प्रगति पर चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन स्टेशन की मेन बिल्डिंग जब तक नहीं बनती तब तक रेडेवलपमेंट का काम यहाँ पर धीमा माना जाएगा। बाकी रुड़की देवबंद नई लाइन का काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ है, ट्रैक्स डाले जा चुके हैं, बस उनको कनेक्ट किया जाना बाकी है, और ये सब काम होगा यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं।